Hello student, my name is Kamar Jafri and I welcome you all to your own study channel FP Exam Prep. Today we will discuss about the Constitution of India. इसका previous years का questions जितने भी हैं SSC में जितने भी आए हैं उसके बारे में discuss करेंगे और इसमें जो topic है वो है हमारा सिर्फ Constitution of India ही है, उसी में से आएगा सब questions. तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो भी रिकॉर्ड की है हिस्ट्री की, उसमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही आया था. तो उसी तरीके से इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ही बारे में आएगा. पॉलिटिका पार्ट है ये एसएससी का, ठीक है. तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. इसके दो पार्ट्स होने वाले हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री विच सेट्स ऑफ द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री विच सेट्स ऑफ द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल लॉ है किसी भी कंट्री का, जो किसी भी कंट्री का फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल फंक्शन को सेट करता है, ठीक है. कस्टम्स, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या ऑर्डिनेंस, एंड द करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सब फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस जितने भी हैं इस कंट्री के वो सेटअप करने का जो मेन जिसका वर्क रोल होता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Who among the following personalities was appointed as the legal advisor of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? इनमें से किनको अपॉइंट किया गया था legal advisor of the Constituent Assembly, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है. चार ऑप्शन है हमारे पास, एच वी आर लेंगियर, एस एन मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर या बी एन राव. एंड द करेक्ट आंसर इज बी एन राव, ठीक है. ऑप्शन डी, जिन्होंने डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रिंबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनल प्रिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा वर्ड है जो ओरिजिनल पार्ट नहीं है था, ठीक है. डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक या सवरन. एंड द करेक्ट आंसर इज सेकुलर. ठीक है बच्चों, सेकुलर जो वर्ड था उसके बारे में जो है वो प्रिंबल का ओरिजिनल पार्ट नहीं था, ओके. चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं. Which of the following noble ideals is mentioned in the preamble of the Indian Constitution? Indian Constitution के preamble में इनमें से कौन कौन से noble ideals जो है mention है, इनमें से कौन कौन से terms, इनमें से कौन कौन से ideals जो है mention है. Liberty of expression, civil political worship and belief. Liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. Liberty of belief, fiscal, personal, faith and worship. और लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक, सोशल, फेथ एंड एक्सप्रेशन. जिस बच्चे को पॉलिटिकल का पता है, जिस बच्चे को प्रेम्बल का पता है, उसको ये पता होना चाहिए कि प्रेम्बल में जो है मेंशन है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है. ये चार पांच चीज़ें जो हैं ये इस पैटर्न से उसमें जो है प्रिंबल में मेंशन किए गए हैं, ठीक है. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है. चलिए, लिबर्टी किसको बोलते हैं, आज़ादी को, ठीक है. किसी भी करने का जिसका जो मन चाहे वो कर सकता है. लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने का, एक्सप्रेशन का, बिलीव्स का, फेथ का एंड वर्शिप का, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी एक है जो पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, ठीक है. सेंसिटिव,
फॉर द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एंड नॉन कमिटेड टू बिल्डिंग ए नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, इनमें से पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सी नहीं है। ठीक है, सेंसिटिव फॉर हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप, कम्युनिटी वैल्यूज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सेंसिटिव टू द नीड्स एंड नॉन कमिटल टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, नॉन कमिटल टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो मेंशन नहीं है। चार, सेकुलर, रिपब्लिक, फेडरलिज्म एंड सोशलिस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारे पास फेडरलिज्म। फेडरलिज्म किसको बोलते हैं? फेडरलिज्म उसको बोलते हैं विच कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर इनटू सेंटर एंड स्टेट, जिसको दो भाग में जिसकी जिस भी स्टेट की पावर बटी हुई होती है उसको फेडरल स्टेट बोलते हैं। फेडरलिज्म के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में कोई भी वर्ड ऐसा मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, चलिए, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन इन इंग्लिश बाय, किसने लिखा था भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हैंड रिटन इंग्लिश में किसने लिखा था? ठीक है, एच वी आर लेंगियर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य या एस एन मुखर्जी। जो करेक्ट आंसर है, जिस जिस बच्चे को पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इन्होंने जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है वो लिखा था। Who among the following personalities was the chief draftman of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? ठीक है, इनमें से कौन सी personalities है, chief draftman हैं, जिन्होंने Constituent Assembly को drafted किया था, document of the Constituent Assembly को drafted the document of the Constitution? ठीक है, इनमें से कौन से हैं? के एम मुंशी, वसंत कृष्ण विद्या, एस एन मुखर्जी या एच वी आर लयंगर। ठीक है, जिस जिसको पता है वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिस जिसको पता है अपना आंसर लिखिए। ठीक है, के एन मुंशी, वसंत कृष्ण विद्या, एस एन मुखर्जी या एच वी आर लेंगियर। तो द करेक्ट आंसर इज एस एन एम यू के एच E-R-J-E-E। ठीक है, एस एन मुखर्जी थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ना इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन कंटेक्स्ट में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, किसके बारे में? यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, country was divided into two different states of the administrative convenience. The Indian Federation was the result of an agreement by sovereign union to join it. Enumerates the power of the central and state through various lists. A federation not being the result of an agreement, no state has right to secede from it. ठीक है, जिस जिसको आंसर पता है लिखिए। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द इंडियन फेडरेशन वाज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय सोवरेन यूनिट्स टू जॉइन इट। ठीक है, सोवरेन यूनिट्स टू जॉइन इट, द इंडियन फेडरेशन वाज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, किसका? सोवरेन यूनिट का, कि उसको ज्वाइन करे, टू ज्वाइन इट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट इन कैलीग्राफिक स्टाइल द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी वर्जन में कैलीग्राफिक स्टाइल में इनमें से किसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा? ठीक है,
एस एन मुखर्जी, प्रेम बिहारी, नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण विद्या वैद्य या नंदलाल बोस? इन्होंने तो लिखा था इंग्लिश में, ठीक है, और जिन्होंने हिंदी में लिखा वो है वसंत कृष्ण वैद्य। ओके, इन्होंने हिंदी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल में लिखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू ए लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द एक्ट ऑफ। इनमें से कौन से एक्ट से डिराइव्ड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट, ठीक है, 1909, 1935, 1947 या 1990? एंड द करेक्ट आंसर इज 1935, ठीक है, एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन द ईयर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को? 47, 49, 50, 48, ठीक है, 49, ठीक है, अडॉप्ट किया था, ओके, 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वॉज लेटर अडेप्टेड एज द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव पास किए थे जो लेटर ऑन प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर। तो करेक्ट आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनका जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है बाद में प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया घोषित किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद ए डैश सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कौन सा सिस्टम है हमारे इंडिया में गवर्नेंस का? यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, मोनार्किकल या प्रेसिडेंशियल? एंड द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेरेमनी डैट मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक सेलिब्रेशन इज। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के एंड पे जो सेरेमनी मार्क की जाती है उसका क्या नाम है? द बीटिंग रिट्रेट सेरेमनी, द फ्लाई पास्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट, द एट होम सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन, द होम पेज सेरेमनी एट नेशनल वार मेमोरियल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो मिलिट्री की तरफ से दी जाती है, तो वो है सेरेमनी दैट मार्क्स द एंड सेरेमनी ऑफ द रिपब्लिक डे, ठीक है। ऑल द डैश कंट्रीज लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी कंट्रीज में जो है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक, ओलिग्रेटिक या टोटलिटेरियन? एंड द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेटिक। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का होना लाजमी है, ठीक है। विच इज नॉट ए यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? दो टर्म्स होती हैं, फेडरल यूनिटरी। फेडरल बोलते हैं दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज डिवाइडेड, द पावर्स इन विच पावर्स इज वॉज डिवाइडेड इंटू सेंटर एंड स्टेट इंटू टू यूनियंस। ओके, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है इन विच पावर इज डिवाइडेड इंटू ऑनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें पावर सिर्फ सेंटर के ही पास होती है रिगार्डिंग एनी अमेंडमेंट और एनी लाइक टू से के कुछ भी चेंजेस करना हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री में किसी भी टर्म को लेके या किसी भी एस्पेक्ट को लेके वो पावर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर के पास होती है बट फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास होती है। ये पूछ रहा है विच इज़ नॉट ए यूनिटरी फीचर, इनमें से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, जिस चीज को पता है वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे। करेक्ट आंसर है इसका बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेशन का ये मतलब है कि बाइकैमरल लेजिस्लेशन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे हम अपने इंडिया की बात करते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ये वाला जो है जी, ये वाला पैटर्न जो लोकसभा और राज्यसभा के बिना किसी कोई ऐसे डिसीजन हैं जो दोनों के बिना नहीं होते, और ये फीचर जो है वो यूनिटरी फीचर नहीं है। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इनमें से कौन सा। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, डिविजन्स ऑफ पावर्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बट ऑल इंडिया सर्विसेज इज नॉट ए फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल इंडियन सर्विसेज। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द क्वेसी फेडरल। ठीक है, इनमें से किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेसी फेडरल बोल के डिस्क्राइब किया। ठीक है, ठीक है, एमवी पायल, गुनार मेंडल, एवी डिकी या केवी वैरे। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। सबसे पहले आपको ये टर्म बता दूं, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच वाज विच हैव बोथ द फीचर्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास दोनों फीचर्स हैं, फेडरल भी और यूनिटरी भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिहाज से। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज रेक्टिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1947। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 50। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 48। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन 1949। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ये, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। नेशनल एंथम को जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया किसने, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने। ठीक है, चलिए बाकी भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी गलत क्यों हैं। चलिए इसका भी बताता हूँ कि द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रेक्टिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ठीक है, 1949 में मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ किया था इन्होंने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1950। ठीक है, नेशनल सॉन्ग को 1950 में किया था एंड अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग इन जुलाई 1947। ठीक है, और इसमें जो करेक्ट आंसर था वो सी था, सॉरी बी था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेयर ए पार्ट वेयर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितनी फीमेल मेंबर्स थी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम हुआ, तब फीमेल मेंबर्स कितनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, 12, 10, 14, 15 एंड द करेक्ट आंसर इज 15, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए
हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द होस्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन था होस्ट कमेटी का? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द होस्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया? इसमें से जो चार ऑप्शन में बी पथाबी सीतारामैया एंड ए वी ठाकर, जे बी कृपलानी और के एम मुंशी, और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पी पथाबी सीतारामैया, ठीक है, जो थी वो चेयरमैन थी किसकी, होस्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके थे? अलादी कृष्णस्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्रेडेंशियल कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी या फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कमेटी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्रेडेंशियल कमेटी, ठीक है, क्रेडेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे कौन? अलादी कृष्णस्वामी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिकग्नाइज बाई सेक्शन डैश ऑफ द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कौन से एक्ट 1947 के, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के कौन से सेक्शन में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकग्नाइज करवाया गया? सेक्शन 6 क्लॉज 2, 10 क्लॉज 1, 12 क्लॉज 2 या 8 क्लॉज 1? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 8 क्लॉज 1, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि द बोथ ऑफ द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दोनों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपने फैसले होंगे, अपना ही सब कुछ होगा, ठीक है, इसमें सेक्शन 8 क्लॉज 1, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, लास्ट वाला। ये पहले आपको बताया था कि ये पार्ट वन है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट सेकंड इज अपकमिंग, ठीक है, दूसरा पार्ट आएगा। जी वी मवालनकर वाज द चेयरमैन ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, किस चीज के चेयरमैन थे? जी वी मवालनकर, एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट मिनिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, कमेटी ऑफ फंक्शंस, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, अडाक कमेटी ऑफ द नेशनल फ्लैग, ठीक है, किसके फंक्शन, किसके चेयरमैन थे? जी वी मवालनकर, कौन सा था इस पे? एंड द करेक्ट आंसर इज कमेटी ऑन द फंक्शन, ठीक है, इनकी इसके चेयरमैन थे कमेटी ऑफ द फंक्शन, जिसमें इनको ये था कि एडवाइज करना था सभी कमेटी के मेंबर्स को कि हाउ टू फंक्शन एंड हाउ टू वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें तो इसके इनको जो है वो चेयरमैन बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट वन आज ख़त्म हो रहा है, पार्ट टू इसी सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पार्ट टू की वीडियो आएगी, और पार्ट टू में और डीपली हम इसको और डिस्कस करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे FPA के एग्ज़ाम FPA एग्ज़ाम पर आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सपोर्ट दिखाएँ और अपने नॉलेज को बूस्ट करें, और SSC के या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में छा जाए, ठीक है, थैंक यू।